G20 नई दिल्ली घोषणा पत्र जारी करने पर बनी सहमत। पीएम मोदी बोले, विश्व कल्याण के लिए यह साथ चलने का समय। नई दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में भारत ने नई दिल्ली साझा घोषणा पत्र जारी कराने को लेकर सदस्य देशों के बीच सहमति बना ली है। इस बैठक में कई विश्व नेताओं ने शिरकत की। दौरान पीएम मोदी ने अफ्रीकी देशों को जो G20 के प्रतिनिधित्व दिलाने की भारत की कोशिश रंग लाई और अफ्रीकी यूनियन को शामिल करने की घोषणा पीएम मोदी ने की। सही निर्णय लिया, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत सरकार के रुख पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रूस यूक्रेन युद्ध पर बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार के रुख का समर्थन किया है। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, दो या उससे अधिक शक्तिशाली देशों में संघर्ष होने पर अन्य देशों पर किसी एक पक्ष को चुनने का दबाव होता है। भारत ने शांति की अपील करते हुए अपने आर्थिक हितों को पहले स्थान पर रखकर सही किया। यूपी बिहार और एमपी समेत 3 राज्यों में भारी बारिश के आसार। IMD का 5 दिनों के लिए अलर्ट जारी। पिछले कुछ दिनों से उमस भरी गर्मी की मार झेल रहे कई राज्यों में शुक्रवार रात से हुई बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना समेत कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। बुमराह की होगी वापसी, फिट KL राहुल लेंगे ईशान किशन की जगह, ऐसे होगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11। एशिया कप 2023 के सुपर 4 राउंड में टीम इंडिया की भिड़त रविवार को पाकिस्तान के साथ होगी। दोनों टीमों के बीच टूर्नामेंट में खेला गया पहला मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ा गया। बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान की टीम अब तक बेहतरीन लय में दिखाई दी है। वहीं जसप्रीत बुमराह के वापस आने से भारतीय टीम के भी हौसले बुलंद होंगे। मलाइका अरोड़ा ने की जवान फिल्म की सराहना, शाहरुख खान के लिए लिया स्पेशल नोट। इस समय हर किसी के मुंह पर बस जवान फिल्म का नाम चढ़ा हुआ है। दर्शकों से लेकर सितारों तक हर कोई फिल्म की तारीफ करते हुए दिखाई दे रहा है। लोग शाहरुख खान और नयनतारा की एक्टिंग की सराहना कर रहे हैं। ऐसे में अब मलाइका अरोड़ा ने भी फिल्म देखने के बाद अपना रिव्यू दिया है।